नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। अपने मोबाइल से ही बुक करें ट्रेन का जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट। एक बटन नोई है तरीका, लंबी लाइनों में लगकर ट्रेन टिकट लेना शायद ही किसी को भाता हो। आमतौर पर लोग कहीं आने जाने के लिए रिजर्वेशन वाला टिकट लेकर यात्रा करते है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है और हमें जनरल टिकट लेकर ट्रेन का सफर करना पड़ता है। ऐसे मामलों में लोगों की सबसे बड़ी चिंता लाइन में लगकर जनरल टिकट लेने की होती है। इसके अलावा स्टेशन में प्लेटफॉर्म टिकट लेना भी आसान नहीं। ऐसे में इंडियन रेलवे का एक खास ऐप आपकी सारी परेशानी दूर करता है। इस ऐप का नाम UTS अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम है। ऐप की मदद से आप अपने मोबाइल से ही जनरल और प्लेटफॉर्म। भारतीय रेल ने कुछ महीनों पहले अनरिजर्व मोबाइल टिकटिंग फैसिलिटी की शुरुआत की थी। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से UTS मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। 3/9 क्रिस ने किया है डेवलप UTS ऐप को रेलवे के इन हाउस डेवलपर सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ने तैयार किया है। ऐप डाउनलोड करते वक्त यह जरूर ध्यान रखें कि आप ओरिजिनल ऐप ही डाउनलोड कर रहे हैं। 4/9 ऐप पर करें रजिस्टर। ऐप के डाउनलोड होने के बाद आपको इस पर रजिस्टर करना होगा। इसके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर अपना मोबाइल नंबर, नाम, जन्म तिथि एंटर करने के बाद एक पासवर्ड सेट करें। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपके नंबर पर एक OTP आएगा। UTS ऐप इस OTP को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। इसके बाद आप ऐप के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। ऐसी और तस्वीरें देखें। डाउनलोड ऐप 5/9 लॉगिन करने पर दिखेंगे कई ऑप्शन। होम पेज पर आने के साथ ही आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के साथ जब आप ऐप में एंटर होंगे तो आपको वहां बुक टिकट, कैंसिल टिकट, बुकिंग हिस्ट्री समेत कई अन्य ऑप्शन दिखेंगे। 6/9 बुक टिकट करने पर दिखेंगे 4 ऑप्शन। बुक टिकट ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ ही आपको नॉर्मल बुकिंग, क्विक बुकिंग, प्लेटफॉर्म टिकट और सीजन टिकट का ऑप्शन दिखेगा। 7/9 बुकिंग मोड चुने। टिकट आपको पेपरलेस चाहिए या प्रिंट वाला, आपको इसका चुनाव करना होगा। 8/9 फोन की लोकेशन को करना होगा ऑन। टिकट की नॉर्मल बुकिंग के लिए आपको फोन की लोकेशन सर्विस को ऑन करना होगा। इसके बाद लोकेशन के हिसाब से यह ऐप आपको स्टेशन सजेस्ट करेगा। आपको यहाँ अपने सोर्स और डेस्टिनेशन को एंटर करना है। यह ऐप आपको उपलब्ध रूट्स की जानकारी भी देगा। रूट चुनने के बाद आपको अपनी डिटेल भरनी है। 9/9 ऐसे होगी पेमेंट। टिकट के पेमेंट के लिए यहाँ बाय डिफॉल्ट रेल वॉलेट का ऑप्शन मौजूद है। अगर आपके रेल वॉलेट में पैसे नहीं है तो आप नेट बैंकिंग, पेटीएम के अलावा और भी कई माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।